न्यूयॉर्क को इस समय एक छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है और खबर यह आ रही है कि 35,000 पुलिस कर्मियों को न्यूयॉर्क सिटी में NYC में तैनात किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी से पहले। मैनहट्टन की अगर बात की जाए जहां पर अदालत में पेश किया जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को, वहां पर 1,000 पुलिस कर्मी केवल ट्रंप टावर जहां पर डोनाल्ड ट्रंप का पेंट हाउस है, जहां डोनाल्ड ट्रंप रहते हैं, वो वहां से लेकर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के दफ्तर तक, क्रिमिनल कोर्ट तक 1,000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। आपको याद होगा 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल में जिस तरह की हिंसा हुई थी, झड़पें हुई थी, उसके बाद कई कदम उठाए गए हैं कि उस तरह की घटना दोबारा ना हो। ट्रंप के जो समर्थक हैं, उन्होंने, आपको याद होगा 2021 में किस तरह से अमेरिका की संसद पर धावा बोल दिया था, हमला बोल दिया था, इस बार सुरक्षा के कड़े कदम उठाए गए हैं। तो चाहे वो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट हो, यूएस सीक्रेट सर्विस हो, अदालत के अधिकारियों के साथ मिलकर वो सुरक्षा को बहुत कड़ा कर रहे हैं। यही नहीं, हम आपको ये भी बता दें कि मैनहट्टन की कई सड़कों को इस समय सील किया जा रहा है। और इस समय एम्बेसडर विवेक काजू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप पूर्व सचिव हैं विदेश मंत्रालय के, अमेरिका पर पैनी निगाह रखते हैं। एम्बेसडर काजू, आप किस तरह से इसे देखते हैं? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि यह मुझे फंसाने की एक राजनीतिक साजिश है, एक षड्यंत्र हो रहा है कि मैं 2024 में फिर न आ पाऊं। ये राजनीतिक षड्यंत्र है या फिर उनके खिलाफ एक मुहिम थी जिसको अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है, एक कानूनी जंग? देखिए, इसके दो पहलू हैं गौरव। एक तो कानूनी पहलू है, दूसरा राजनीतिक पहलू। हाँ, ट्रंप के जो खिलाफ हैं लोग, वो जरूर चाहेंगे कि ट्रंप को कानून की जाल में फंसा लिया जाए और इस तरह फंसा लिया जाए कि फिर उनका आगे का राजनीतिक जीवन खत्म हो जाए, क्योंकि हमें मालूम है कि ट्रंप के अभी भी बहुत समर्थक हैं अमरीका में और वो 2024 का चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने इसका ऐलान किया हुआ। अगर ये कानूनी जाल में फंस गए, जिस पर अभी प्रश्न चिन्ह, तब तो इनका राजनीतिक जीवन खत्म हुआ। लेकिन अगर कानूनी जाल से निकल गए, तब मुझे नहीं लगता है कि इस सब प्रक्रिया का, कानूनी प्रक्रिया का, उनके समर्थकों पर कुछ असर पड़े। हमें ये याद रखना चाहिए कि 2016 में चुनाव के पहले बहुत खबरें निकली थी ट्रंप के रिश्तों के बारे में, किस तरह उनके विभिन्न औरतों के साथ रिश्ते रहे हैं, उनके अभद्र भाषा, जेंडर इश्यूज पे औरतों के खिलाफ के ऑडियोज भी निकले थे। लेकिन उसका क्या किसी पर असर पड़ा? वो जीते चुनाव। तो मुझे ये लगता है कि आज के दिन भी अमरीका में एक बहुत बड़ा तबका है जो कि ट्रंप का समर्थक। अच्छा, और उनके जो समर्थक है वो तो यहां तक कह रहे हैं कि अगर उनका मगशॉट लिया गया, उनकी अगर तस्वीर खींची गई एक अपराधी के तौर पर, तो सबसे मैस्कुलिन तस्वीर होगी, सबसे ताकतवर व्यक्ति की तस्वीर होगी, तो वो तो इसे एक ताकत के रूप में दिखा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक ये कह रहे हैं कि जब से उन पर ये आरोप लगे हैं, $8 मिलियन वो जुटा चुके हैं, तो क्या उनके लिए ये आपदा है या आपदा में एक बहुत बड़ा अवसर रिपब्लिकन्स इसको देख रहे हैं? नहीं, अवसर तो है, इसमें बिल्कुल शक नहीं, क्योंकि अगर ये कानूनी प्रक्रिया फेल कर जाती, और जो मैंने पढ़ा है वो ये है कि अमेरिका के कानूनी विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क के प्रोसिक्यूटर को हो सकता है किसी जज को कन्विंस करने में बहुत मुश्किल पड़े, क्योंकि जो अमेरिका का कानून है वो बहुत ही पेचीदा है इन मामलों। हाँ, ये जरूर है कि उन पर एक प्रकार से ये व्यक्तिगत इंसल्ट है कि ये पहले अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो रही और इसी को वो कह रहे हैं कि ये जो कार्रवाई उनके खिलाफ हो रही है, ये जो बाइडेन प्रशासन की का एक राजनीतिक षड्यंत्र है उनके खिलाफ 2024 में उनको रोकने के लिए। एम्बेसडर काजू, रहिए मेरे साथ, क्योंकि इस समय बताया ये भी जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर करीब 34 आरोप लग रहे हैं। ये आरोप कोर्ट में फिलहाल एक सीलबंद लिफाफे में है, सील्ड कवर में है, जो सुनवाई के दौरान ही खोला जाएगा।
अब हम आपको एक बात और यहां बहुत महत्वपूर्ण बताना चाहते हैं। एक एक आरोप डोनाल्ड ट्रंप को सुनाए जाएंगे, उनको ये आरोप सुनाए जाएंगे और उनसे पूछा जाएगा कि क्या आप इसके लिए अपने आप को दोषी मानते हैं या नहीं, गिल्टी और नॉट गिल्टी। खबर आ रही है कि वो अपने आप को नॉट गिल्टी बताएंगे सभी आरोपों के। बताया ये जा रहा है 34 में से ट्रंप पर लगाया गया एक आरोप बेहद गंभीर हो सकता है, और क्या है ये आरोप? फाइनेंशियल फ्रॉड का, वित्तीय फ्रॉड के लिए दस्तावेजों में हेरा फेरी का आरोप, क्योंकि ये भ्रष्टाचार को दिखाता है, ये आरोप उन पर लग सकता है। ये सभी 2016 के चुनाव के दौरान जिस अडल्ट फिल्म स्टार पोर्न स्टार स्टॉमी डैनियल्स की बात चल रही है, उसको $130,000 जो दिए गए थे उसके भुगतान से जुड़े हैं, ताकि उस वर्ष वो 27 वर्ष उस महिला की आयु थी, ट्रंप उस समय 60 वर्ष के थे, ये आरोप वो उजागर ना करे सबके सामने, इसीलिए ये पैसे दिए गए थे। अच्छा, ट्रंप के जो वकील थे उस समय जिनके जरिए ये पैसा दिया गया था, डेविड कोइन, उन्होंने मुंह बंद रखने के लिए $130,000 दिए थे। ट्रंप की कंपनी को कोइन ने जो पैसे दिए थे वो लीगल फीस के रूप में, ट्रंप ने जो कोइन को पैसा दिया लीगल फीस के रूप में से दिखाया गया, वो पैसा दिया गया स्टॉमी डैनियल्स को। न्यूयॉर्क के कानून के मुताबिक ये एक बड़ा अपराध है, और डेविड कोइन जो है वो बतौर सरकारी गवाह ये गवाही दे भी चुके हैं, तो ये समस्या ट्रंप के लिए बड़ी हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप का आरोप है कि उन्हें एक राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। ये जो पूरा मामला उनके ऊपर दर्ज कराया गया है, ये एक एक कोशिश है कि वो 2024 के चुनाव को लड़ ना सके। उनके खिलाफ जिस मुकदमे को दर्ज कराया गया है, जिस व्यक्ति ने कराया है, वो एक डेमोक्रेट है, उनके यानी उनकी प्रतिद्वंदी पार्टी के है। ट्रंप 2024 में एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के दावेदारों में सबसे आगे चल रहे हैं, और जब से विवाद हुआ है तो अमेरिका में ही आकलन है कि जो बाकी दावेदारों के साथ जो दूरी थी, जो डिस्टेंस था, उन्होंने और बढ़ा लिया है अपने पक्ष में। एडल्ट फिल्म स्टार से अफेयर का बवंडर डोनाल्ड ट्रंप को उड़ा देने पर तुला है। उन पर आरोप तय करने का फैसला उस वक्त हुआ है जब 2024 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी की ओर से वो सबसे प्रबल दावेदार है। यही वजह है कि ट्रंप इस मुकदमे को अपने विरोधियों की साजिश करार दे रहे हैं। We are now officially a third world country. No president in the history of our country has been subjected to such vicious and disgusting attacks. But they only attack me because I fight for you. It's very simple. They can't buy me and they can't control me, and that scares them beyond belief. ट्रंप और उनके रिपब्लिकन साथियों ने न्यूयॉर्क में ग्रैंड जूरी के फैसले को राजनीतिक बदला करार दिया है। यह आरोप इस वजह से लगाया गया क्योंकि ट्रंप के खिलाफ मुकदमे के पीछे है एल्विन ब्रैग, जो एक डेमोक्रेट है, यानी ट्रंप के राजनीतिक प्रतिद्वंदी। इस वजह से ही ट्रंप कई हफ्ते पहले ही अपने समर्थकों से कह रहे हैं कि वो इस मुकदमे पर अपना विरोध जताएं। उनके ऐसे ही ऐलान की वजह से न्यूयॉर्क पुलिस किसी भी हंगामे से निपटने की तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, जिन्होंने इस मामले पर पूरी तरह चुप्पी साध रखी है। बाइडेन ने महज इतना कहा है कि उन्हें न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट पर पूरा भरोसा है। इसके बावजूद ट्रंप की पेशी के दौरान हिंसा की आशंका बनी हुई है। साल 2021 में ट्रंप के उकसावे पर कैपिटल हिल पर उनके समर्थकों ने हमला कर दिया था। एक बार फिर ट्रंप को लेकर अमेरिका बट गया है। व्हाइट हाउस के बाहर कोई उन पर कार्रवाई का जश्न मना रहा है तो कहीं उनके समर्थक मायूस हैं। I think it's the best thing that can happen in the world. Yeah. Once he's gone, the world's safe. Why do you think that? Because he's a tyrant. He wants to be like Putin. I beg Joe Biden to please save this country. I mean, anybody, just step in and please. And I feel like safer now. Why is it totally wrong? That's my opinion. Oh. Why do you feel that way? It's a political witch hunt. ट्रंप अपने ऊपर चलाए जा रहे मुकदमे को अपने हक में भुना रहे हैं। न्यूयॉर्क की अदालत ने जब से उन पर मुकदमा चलाने की इजाजत दी है, तब से लेकर अब तक उनकी पार्टी फंड में लाखों डॉलर का चंदा इकट्ठा हो चुका है। ट्रंप की टीम का कहना है कि पिछले हफ्ते अपराध तय होने के बाद से $8 मिलियन जुटाए जा चुके हैं।
यही नहीं, रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी में ट्रंप सबसे आगे चल रहे हैं। आज तक ब्यूरो।